इस समय मैं आपके क्रोध का कारण समझने में असमर्थ हूँ। जो देवताओं के हित में मुझे उचित लगा वही मैंने किया, और देवराज होते हुए यही मेरा दायित्व भी है। युद्ध टालना तो बुद्धिमानी है देवगुरु, और जब उन्होंने स्वयं मित्रता का प्रस्ताव भेजा है तो हम युद्ध छेड़कर संघर्ष की स्थिति क्यों उत्पन्न करें? मित्रता, और वो भी असुरों से? क्या देवराज को ये भी ज्ञात है कि असुर जिनका स्वभाव ही छल और कपट है वो कभी किसी के मित्र हो ही नहीं सकते? गणेश जी, कुमार कार्तिकेय जी, यदि इंद्रदेव इस उत्सव में गए तो इसका परिणाम अवश्य बुरा ही होगा। आप दोनों को जाकर देवराज इंद्र को समझाना चाहिए। ऋषिवर का सुझाव उचित है, किंतु कदाचित गणेश उसे स्वीकार नहीं करेगा। वो देवराज से अत्यंत निराश है। समझाने का ही प्रयास तो किया था मैंने। राजा को सुननी सभी की चाहिए, किंतु निर्णय वही लेना चाहिए जो उसे उचित लगे। नवीन असुर महानायक, शुंभ के दूतों को दिए वचन को हम अवश्य निभाएंगे। इस महोत्सव में भाग लेने हम अवश्य जाएंगे। क्षमा कीजिए देवराज इंद्र, यदि यही आपका निर्णय है तो आप जाइए, मैं आपके साथ कदापि नहीं जाऊंगा। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देवगुरु कि देवताओं और असुरों के मध्य प्रारंभ होने वाले इस मित्रता के नवीन अध्याय के पूर्व ही आप पीछे हट रहे हैं, किंतु मेरा निर्णय अटल है। अब हमें उत्सव में जाने की तैयारियां प्रारंभ करनी चाहिए, और मेरा विचार है कि हमें सभी के लिए भांति भांति के उत्तम उपहार ले जाने चाहिए। नहीं ऋषिवर, हम इंद्रदेव को रोकने कदापि नहीं जाएंगे, क्योंकि एक सीमा के बाद किसी को कुछ भी समझाना व्यर्थ है। यदि वो कोई नासमझी करने पर आतुर ही हो तो उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किसी को कितना भी समझाओ कि मार्ग में आगे गड्ढा है मत जाओ, फिर भी वो नहीं रुकते, और उन्हें समझ में तभी आता है जब वो गड्ढे में गिर जाते हैं, और उन्हें अपनी भूल का आभास तभी होता है जब वो उसके बाद उस भूल के परिणाम स्वरूप कष्ट उठाते हैं। इसीलिए देवराज इंद्र को अब समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपना चुनाव कर लिया तो उन्हें अपने कर्म का फल भोगने दीजिए। मैं स्वर्ण लता हूँ। आपको ज्ञात होता भी तो कैसे देवराज, आप कभी पाताल आने का कष्ट ही नहीं करते। और मैं रजत लता। मैं तरंगिनी हूँ, और मैं कोमलांगी हूँ। इंद्रदेव, वो देखिए वहां असुर राज शुंभ का राजभवन। प्रतीत होता है असुर महानायक को हमारे आने की सूचना है, तभी उन्होंने हमारे लिए ये विशेष मार्ग सूचित किया है। हमें इसी पे आगे बढ़ना चाहिए। चलिए देवगण। रानी स्वर्णलता, देवताओं का आगमन शीघ्र ही होने वाला है, आप उनके स्वागत के लिए तैयार हो जाइए।
असुर महानायक को हमारा संदेश दे दो कि हम तैयार हैं, हम उन्हें कदापि निराश नहीं करेंगे। देवराज इंद्र, आ तो रहे हो यहाँ, किंतु यहाँ से लौटना कठिन होगा तुम्हारे लिए। इंद्रदेव, जो इतने भव्य और सुंदर स्वागत की व्यवस्था करे, वो वास्तविकता में हमसे मित्रता ही चाहता होगा। सर्वथा उचित किया आपने ये निमंत्रण स्वीकार कर। देवराज इंद्र, कदाचित यही असुर महानायक शुंभ है, किंतु ये हमारा स्वागत करता तो प्रतीत नहीं हो रहा। कहीं हमने यहाँ आकर कोई भूल तो नहीं करती। ये क्या, एक तन पर दो शीश? ये कैसा विचित्र दृश्य है? भयभीत हो गए देवराज इंद्र आप? ये हमारे भ्राता शुंभ है, असुर महानायक शुंभ। ये तो आपसे मित्रवत परिहास भर कर रहे हैं। जिन्होंने हमारा मन मोह लिया वो भी यहां है। स्वागत है आपका इंद्रदेव, स्वागत है मित्र। देवराज, आपने हमारी मित्रता स्वीकार करने का और यहां आने का अत्यंत उत्तम निर्णय लिया है। आना तो था ही, आपका आमंत्रण भला हम अस्वीकार भी कैसे कर पाते। उत्तम निर्णय तो लिया, किंतु हमारे लिए देवराज, जिस सम्मोहन में हो तुम, जब तक उसका सत्य ज्ञात होगा तुम्हें बहुत विलंब हो चुका होगा देवराज इंद्र। हम देवता और असुर मिलकर एक नवीन अध्याय आरंभ करेंगे। बहुत हुई शत्रुता,
अब हम मित्र बनेंगे। अवश्य असुर महानायक, अवश्य। और वैसे भी हम देवता और असुर एक ही पिता के संतान तो है, हम भ्राता है और भ्राता समान ही रहेंगे। आप उचित कह रहे हैं असुर महानायक, हम बिल्कुल भ्राताओं की तरह ही रहेंगे। आज से हमारा नारा होगा भ्राता भ्राता देवता और असुर, भ्राता भ्राता देवता और असुर, भ्राता भ्राता देवता और असुर, भ्राता भ्राता देवता असुर, भ्राता भ्राता देवता असुर, भ्राता भ्राता देवता असुर, भ्राता भ्राता देवता असुर। मैं असुर महानायक शुंग देवराज इंद्र से एक नवीन मित्रता का आरंभ करता हूं। देवराज इंद्र को आपकी मित्रता स्वीकार है। हमारी चाल तो सफल हो रही है भ्राता, ये मूर्ख देवता तो बड़ी सरलता से हमारे जाल में फंसते जा रहे हैं। सत्य है, स्वर्ग लोक पर अधिकार के योग्य हम असुरी हैं। आइए, कहो गणेश, अब क्या देखा तुमने? भैया, इंद्रदेव अन्य सभी देवताओं के साथ शुंभ के महोत्सव में पहुंच चुके हैं। शुंभ इंद्रदेव को अपने वक्ष से लगाकर उनसे देवता असुर भ्राता भ्राता के नारे लगवा रहा है। ये नारे लगाने के पूर्व देवता ये कैसे भूल रहे हैं कि जैसे पूरब और पश्चिम दिशाओं का मेल असंभव है, वैसे ही असुर और देवता कभी भी भ्राताओं के समान साथ नहीं आ सकते। इंद्रदेव, क्या हुआ, रुक क्यों गए आप? कुछ नहीं सूर्यदेव, कुछ नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ चलिए। देवराज, मैं अपने सेनापतियों से आपका परिचय कराता हूं। ये है चंड, ये है मुंड, ये है रक्तबीज और ये धूम्रलोचन। असुर महानायक शुंभ की राज्यसभा में आपका स्वागत है देवराजेंद्र और समस्त देवगण। और इनसे तो आप भली भांति परिचित होंगे ना? प्रणाम असुर गुरु शुक्राचार्य। बस बहुत हुई औपचारिकता, मैंने आपको उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है, अपना आसन ग्रहण कीजिए। अरे वहां नहीं देवराजेंद्र, आप वहां नहीं, आप हमारे अति सम्माननीय अति विशेष अतिथि हैं। अचित, मैं विशेष अतिथि हूँ इसलिए मुझे विशेष आसन ही ग्रहण करना चाहिए। आप वहां स्थान ग्रहण करें, आइए। आज का यह उत्सव देवताओं और असुरों की मित्रता का महोत्सव है। हमारे अतिथियों के आनंद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उत्सव आरंभ हो। धागे 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 धागे
कदाचित अब वो सुंदरी भी यहां अवश्य प्रवेश करेगी। मेरे नेत्र जिसे देखने के लिए लालायित है, क्या वो स्वर्णलता इन्हीं नर्तकियों में से कोई एक है? स्वर्णता, तुम्हारी जितनी भी सराहना की जाए कम है। इस मूक देवराज को तुमने ऐसा सम्मोहित किया है कि तुम्हारे संकेत भर पर जो तुम चाहोगी ये अवश्य करेगा। अंततः वो सौंदर्य जिसने मुझे अभिभूत किया है वो मेरे समक्ष आ ही गया। स्वर्णलता जो स्वयं सौंदर्य की देवी है। इस स्वांग में तो बड़ा ही आनंद आ रहा है भ्राता मुंड। देवताओं की मूर्ता पर तो मुझे अति आनंद आ रहा है भ्राता चंड। लीजिए इंद्रदेव, हमारी मित्रता का आरंभ इस मधुर पेय के साथ मिलना चाहिए और यही उचित है। असुर महानायक शुम, हमारी मित्रता के लिए, संसार में शांति के माधुर्य के विस्तार के लिए, सृष्टि के आनंद के लिए, मैं देवराज इंद्र और सभी देवता इस पेय का पान अवश्य करेंगे। ये क्या करने जा रहे हैं इंद्रदेव? उन्हें ऐसा कदाचित नहीं करना चाहिए। आहा, कितने स्वादिष्ट मिष्ठान हैं यहाँ। तो लगा था हम असुरों में ही दोष होते हैं, किंतु ये मूर्ख देवता तो हमसे भी बढ़कर हमारे स्त्रियों पर नृत्य करते हुए देख रहे हैं, हमारे पेय का पान कर रहे हैं। मात्र इतने भर से इन्हें हम पर विश्वास भी हो गया है। सत्यमेव जयते। भैया, विजय भले ही सदैव सत्य की होती है, किंतु कोई असत्य के साथ खड़ा हो जाए तो उसका प्रभाव कोई नहीं टाल सकता। अनुचित कर्मों का फल तो देवताओं को भी अवश्य मिलेगा। ये उत्सव देवताओं के सम्मान में ही तो है, इसलिए हमारा वहाँ होना सर्वथा उचित है। और फिर उत्सव के भोजन का आनंद अकेले कुबेर देवी क्यों उठाएं? हम भी तो हैं। ज्ञात नहीं, हम असुर वर्ग स्वर्ग के लिए युद्ध क्यों करते थे, जबकि क्या नहीं है हमारे पास? अतः धन है, मणियां है, स्वर्ण है, बहुमूल्य रत्न है, हीरे हैं, रजत, लोह, ताम्र आदि सभी खनिज हैं, पाताल का सागर
अनेक औषधों से परिपूर्ण है। संसार की सर्वाधिक सुंदर स्त्रियां यही हैं। फेरा मसूर वर्ग स्वर्ग के लिए संघर्ष क्यों करे, यही विचार कर मैंने मित्रता का मार्ग अपनाया। इंद्रदेव, और मैं अत्यंत प्रसन्न हूं कि आपने विवेकपूर्ण निर्णय लेकर मेरे मित्रता के प्रस्ताव को स्वीकार भी किया। मित्र शुम, मैं आपसे पूर्णतः सहमत और इस बात से अत्यंत प्रसन्न भी हूं कि अंततः हमारी इस मित्रता के नवीन अध्याय के साथ हमारे मध्य के परस्पर विरोध से भी हमें हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त होगा, और हम सभी हमें प्राप्त समस्त निधियां और सुख सुविधाओं का आनंद ले पाए। इतना भी शीघ्र नहीं देवराज इंद्र, अभी तो अत्यंत स्वादिष्ट भोजन प्रस्तुत करेंगे जिससे हमारी मित्रता का माधुर्य और बढ़ जाएगा। तब तक अपने उधर को रिक्ति रखिएगा। अवश्य मित्र निशुम्भ, मुझे भी उस स्वादिष्ट भोजन की प्रतीक्षा है। स्मरण है ना शुंभ, अब तुम्हें क्या और कैसे करना है? सर्वप्रथम मित्रता का ढोंग करके तुम्हें देवताओं को यहां आमंत्रित करना है, और फिर किसी प्रकार उनके साथ चौसर की क्रीड़ा आरंभ करनी है, और फिर धीरे धीरे द्रुत क्रीड़ा आरंभ करनी है। सर्वप्रथम इस क्रीड़ा में पराजित होकर तुम्हें अपनी वस्तुएं गंवानी होंगी। पराजित होना है हमें? वस्तुएं गंवानी है, पर हम उन देवताओं से पराजित क्यों होंगे गुरुदेव? पराजित होने से देवताओं का लोभ बढ़ेगा और वो क्रीड़ा के प्रति और उत्साहित होंगे। इसके बाद उनसे उनका सर्वस्व छीन लेना है। द्रुत क्रीड़ा अर्थात जुआ एक ऐसी क्रीड़ा है कि जिसमें जब मनुष्य फंसता है अपना सब कुछ गंवाने तक क्रीड़ा करता रहता है। वो तुम्हें भी इंद्र को इसी क्रीड़ा में फंसाकर देवताओं का सब कुछ जीत लेना है तुम्हें। किंतु गुरुदेव, हम स्वयं कैसे पराजित होंगे? चौसर की क्रीड़ा में तो सब कुछ पासों पर निर्भर होता है ना। ये मायावी पासे हैं असुर महानायक शुंभ, तुम जैसे चाहोगे वैसे ही ये गिरेंगे। वो परिणाम देंगे जो तुम चाहोगे। मायावी पासे देखो तो। देवताओं को अपने जाल में फंसाकर सदा के लिए नष्ट कर दो इन्हें। अब इस काम में विलंब उचित नहीं। स्मरण रहे, आलस्यम अमृतम विषम, विलंब करने से अमृत भी विष बन जाता है। इससे पहले कि कोई बाधा उत्पन्न हो, कर दो अपना छलयुक्त प्रहार।
गणेश जी, कुमार कार्तिकेय यहाँ? पूज्य गणेश और देव सेनापति कार्तिकेय, ये दोनों भ्राता यहां क्यों है? कहीं ये हमारी योजना में बाधा तो नहीं उत्पन्न करेंगे? अरे वाह भैया, ये तो वास्तव में महोत्सव ही है। प्रथम पूज्य गणेश जी और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय हमें यहाँ देखकर कहीं क्रोधित तो नहीं? असुर महानायक शुंभ, संकट के संकेत हैं ये दोनों। बहुत चतुर हैं, इनसे सावधान रहेंगे नहीं तो ये हमारी योजना विफल कर देंगे। उचित तो यही होगा कि जैसे ये आए हैं वैसे ही लौट जाएं इसी क्षण। उचित है गुरुदेव, यही आपकी इच्छा है तो यही होगा। हमारे द्वारपाल सुप्तावस्था में है क्या? बिना हमारे अनुमति के ये दोनों भीतर कैसे आ गए? सृष्टि पर जब बड़ा असुरों का अत्याचार, तब गणेश ने लिया विनायक की अवतार। जानिए गणेश के इस अनुपम रूप की कहानी। ये क्या कह रहे हैं असुर महानायक शुंभ? देवोत्सव है और इसमें गणेश जी और कुमार कार्तिकेय के सम्मिलित होने के लिए किसी अन्य अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं। ए, तुम जो कोई भी हो, ये तुम्हारे जैसे भूले भटकों का विश्राम स्थल नहीं। ये मुंह उठाए चले आए। ये महाराज शुंभ का राज महल है और ये उनकी राज्य सभा। बिना उनके अनुमति के तुम्हारी उपस्थिति का कोई औचित्य नहीं है। अच्छा, सूर्य देव, वायु देव, वरुण देव, अग्नि देव और कुबेर देव के इस असुर राज सभा में होने का क्या औचित्य है? एक नष्ट विचित्र गजमुख बालक दिखाई नहीं देता तुम्हें? ये सब देवता है और महाराज शुंभ ने इनके सम्मान में उत्सव का आयोजन किया है और ये सब हमारे अतिथि हैं। ओ, तो देवताओं के सम्मान में है ये उत्सव? तो मैं अपने अनुज का परिचय भी दे देता हूं। ये है प्रथम पूज्य गणेश। और ये है मेरे अग्रज देव सेनापति वीर कुमार कार्तिकेय। प्रतीत होता है ये दोनों किसी भी अवस्था में यहाँ से प्रस्थान नहीं करेंगे। ये देवताओं भी विचित्र हैं। एक विचित्र सा गजमुख उनका प्रथम पूज्य है। कैसा है ये देव सेनापति, इसे तो मैं पल भर में कुचल कर रख दूंगा। मुझे तनिक भी नहीं भा रहे हैं ये दोनों। असुर महानायक, अनुमति दे तो इन दोनों को यहीं भस्म कर दे हम। इंद्रदेव, आपने नवीन असुर महानायक शुंभ को इस बात से अवगत नहीं करवाया कि प्रथम पूज्य गणेश के बिना तो कोई भी उत्सव कोई भी समारोह अधूरा है? भूल तो हुई किंतु आपसे नहीं विश्वकर्मा जी, स्वयं महादेव से हुई है ये भूल। मुझसे भूल हुई है देवी? कैसी भूल? जिसे प्रथम पूज्य के स्थान पर स्वयं आपने और समस्त देवताओं ने स्थापित किया था,
उसी परम पूज्य गणेश की पूजा करना भूल गए आप। जो कार्य प्रथम पूज्य गणेश की अर्चना से प्रारंभ होगा वो अवश्य पूर्ण होगा। कुमार कार्तिकेय उचित कह रहे हैं, उत्सव का शुभारंभ तो प्रथम पूज्य गणेश जी से ही होना चाहिए। असुर गुरु शुक्राचार्य, शुंब तो अभी अभी अपने पद पर आसीन हुए, नवीन असुर महानायक है, तो मैं मानता हूं कि अधिक ज्ञात नहीं है, किंतु आप, आपको तो भली भांति ज्ञात है कि देवताओं के किसी भी उत्सव सर्वप्रथम प्रथम पूज्य गणेश को ही निमंत्रण भेजा जाना चाहिए। इतनी बड़ी वो भी आपसे हुई, विश्वास नहीं होता। इन्हें विश्वास दिलाना होगा कि इन्हें यहाँ से दूर रखने का कोई विशेष कारण नहीं है, अन्यथा कहीं ये हमारी योजना न समझ जाए। सृष्टि पर जब बड़ा असुरों का अत्याचार, तब गणेश ने लिया विनायक की अवतार। जानिए गणेश के इस अनुपम रूप की कहानी। नहीं अनुज, गणेश ये तो सर्वथा अनुचित था, घोर अपमान है, और इस घोर अपमान के पश्चात अब हम एक क्षण भी यहाँ नहीं रुके। वाह, जो हम चाहते थे वो स्वतः ही हो गया। ये दोनों तो स्वयं ही यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं। अब हम निर्बाध अपनी योजना पूर्ण कर सकते हैं। तब तो अनर्थ हो जाएगा, अपने अपमान के कारण यहाँ नहीं रुकेंगे तो देव समूह भी यहाँ नहीं रह सकता। इंद्रदेव, सूर्यदेव, वायुदेव, वरुण देव, अग्निदेव और कुबेरदेव, इन नवीन असुर महानायक ने आपके प्रथम पूज्य गणेश जी का अपमान किया है। आपके प्रथम पूज्य का अपमान आप सभी का भी अपमान है, तो आप सभी अभी तक यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? चलिए। ये क्या हो गया? अभी तो उत्सव का आरंभ ही हुआ है और मुझे तो उचित प्रकार से स्वर्णलता से भेंट करने का अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ। मैं अभी यहाँ से जाने का इच्छुक नहीं। चलो अनुज। जी भैया, चलिए। निरर्थक हो जाएंगे हमारे सभी प्रयत्न, व्यर्थ हो जाएगी हमारी योजना। नहीं, हम गणेश जी और कुमार कार्तिकेय के साथ इन देवताओं को यहाँ से कदापि नहीं जाने दे सकते। मित्र शुम, सम्मान सहित अनुरोध कर कुमार कार्तिकेय और गणेश जी को रोक लीजिए, जाने मत दीजिए उन्हें। देवराज इंद्र, इनको जाना है तो जाने दीजिए, मैंने तो इन्हें निमंत्रण भी नहीं भेजा था, तो क्यों चले आए? देवोत्सव में प्रथम पूज्य गणेश जी को ही निमंत्रण न चाहिए, ये तो वास्तव में उनका ही नहीं हम सभी देवताओं का अपमान है, जैसे हम अंधे का कदापि नहीं कर सकते। इसका तो एक ही उपाय, मित्र शुंब अपने इस दोष के लिए क्षमा मांग ले। आप सभी देवता अभी भी यहीं खड़े, अर्थ क्या है इसका? क्या आप सभी को आपके प्रथम पूज्य गणेश जी का अपमान स्वीकार है? आप सभी अभी भी निरुत्तर हैं। क्या आपके मौन को ही आपका उत्तर समझ लूं मैं? क्या मान लूं कि आप सभी अभी भी यहीं रहना चाहते हैं? उचित है फिर। चलो गणेश, जो अनुचित है उसका हम समर्थन कैसे कर सकते हैं? कदाचित यहाँ से प्रस्थान करने के अतिरिक्त कोई उपाय शेष नहीं हमारे समक्ष। अरे, ये तो सभी देवता प्रस्थान कर रहे हैं यहाँ से। ये क्या कर रहे हो शुंग? अगर ये लौट गए वापस तो इनके साथ सभी देवताओं को भी लौटना पड़ेगा। रोको उन्हें। देवताओं के साथ हमारी योजना को सफल करने के लिए इन्हें रोकना अत्यंत आवश्यक है। शीघ्र कुछ करो। रुकिए। रुक जाइए सभी।
क्षमा कर दीजिए गणेश जी, उससे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे मंत्रियों ने आप दोनों के विषय में मुझे अवगत नहीं कराया था। समझते हैं, आप तो अभी असुर महानायक बने हैं ना, अभी तो आपको बहुत कुछ जानना सीखना शेष है, किंतु चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे आप, और फिर ऐसी भूल कदापि नहीं करेंगे। हाँ हाँ उचित है, हमें अपनी भूल सुधार करने की अनुमति दीजिए। आप यहाँ आए, हमारा आतिथ्य स्वीकार किए बिना यहाँ से चले जाएं, ये कैसे संभव है? इस उत्सव का आनंद लिए बिना हम जाने नहीं देंगे। विनर विनती को स्वीकार करें और अपने साथ का सौभाग्य प्रदान करके हमें कृतार्थ करें। मेरे अग्रज देव सेनापति कुमार कार्तिकेय और मैं प्रथम पूज्य गणेश आपका ये निमंत्रण स्वीकार करते हैं। गणेश और कार्तिकेय की आगमन योजना धरी की धरी रह गई, किंतु यहाँ तक पहुंचाकर इस मौके को भी नहीं गवाया जा सकता। प्रथम न सही, किंतु दूसरी योजना को आगे बढ़ाया ही जा सकता है, जिसे ये गणेश भी नहीं समझ पाएंगे।